आज का वीडियो क्वारंटाइन को लेकर रहने वाला है। आप में से बहुत सारे लोगों के क्वारंटाइन को लेकर सवाल आते हैं कि यदि हम डोमेस्टिक उड़ानों से ही एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट पर जाते हैं, एग्जाम्पल के लिए यदि आप दिल्ली एयरपोर्ट से मुंबई एयरपोर्ट पर जाते हैं या फिर मुंबई एयरपोर्ट से कोलकाता एयरपोर्ट पर जाते हैं, तो क्या आपका कोरोना जांच का रिपोर्ट लगेगा या फिर नहीं लगेगा। इस तरीके के सवाल अभी भी बहुत सारे लोगों की तरफ से आ रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर इंटरनेशनल पैसेंजर्स को भी अभी कुछ डाउट है कोरोना जांच और क्वारंटाइन को लेकर। तो आज की इस वीडियो में हम उसी को लेकर बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं डोमेस्टिक उड़ानों के बारे में। यदि आप डोमेस्टिक उड़ानों से ट्रैवल करते हैं तो भारत में इस समय कोरोना जांच केवल और केवल मुंबई एयरपोर्ट ने ही कंपलसरी किया हुआ है। यानी कि यदि आप दिल्ली से मुंबई एयरपोर्ट पर आते हैं तो आपको कोरोना का रिपोर्ट लेकर ही ट्रैवल करना पड़ेगा। ये अभी हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट ने नया नियम लागू किया हुआ है। इससे पहले मुंबई एयरपोर्ट पर भी कोरोना जांच को लेकर नियम नहीं था। मुंबई एयरपोर्ट के अलावा यदि आप देश के किसी भी एयरपोर्ट पर जाते हैं तो आपको कोरोना का जांच नहीं लगेगा, लेकिन शर्त यह है कि आप डोमेस्टिक उड़ानों से ही ट्रैवल कर रहे होंगे तो ही आपको कोरोना का जांच नहीं लगेगा। इसके अलावा बात करें अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स के बारे में, तो यदि आप दूसरे देशों से देश के किसी भी एयरपोर्ट पर आते हैं तो ऐसे हालात में आपको अपना कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना जरूरी है। यदि आप अपना कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर नहीं आते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एयरपोर्ट पर आने के बाद अपना कोरोना वायरस का टेस्ट करा सकते हैं, जहां पर इसका खर्चा आपको तकरीबन 2500 से लेकर 5000 के आसपास पड़ सकता है। और यदि आप अपना कोरोना का जांच कराते हैं और आपका कोरोना का रिपोर्ट नेगेटिव आता है तो ही आपको आपके घर जाने दिया जाएगा, नहीं तो आपको क्वारंटाइन कर लिया जाएगा। कोरोना का जांच कराने और रिपोर्ट के आने तक आपको तकरीबन 6 घंटे तक एयरपोर्ट पर ही इंतजार करना पड़ेगा और 6 घंटे के बाद आपको आपके कोरोना का रिपोर्ट दे दिया जाएगा, उसके बाद ही आप अपने घर जा सकेंगे। फ्रेंड्स, एक जरूरी बात कि ये जो भी कोरोना जांच की फैसिलिटी लगी हुई है ये केवल बड़े एयरपोर्ट पर ही लगी हुई है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई और कोलकाता। केवल इन बड़े एयरपोर्ट पर ही आप अपना कोरोना का जांच करा सकते हैं, लेकिन यदि आप इन एयरपोर्टों से देश के छोटे एयरपोर्टों पर जाना चाहते हैं तो ऐसे हालात में आप अपनी दूसरी फ्लाइट कम से कम 6 से 8 घंटे की बाद की रखें, ताकि इस समय के बीच में आप अपना कोरोना का जांच करा लें और कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही आप दूसरे एयरपोर्ट पर ट्रैवल करें, जिससे कि वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और तब आप आसानी से अपने घर जा सकेंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आपके क्वारंटाइन और कोरोना को लेकर लगभग सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। यदि कुछ रह गया होगा तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। हम कोशिश करेंगे कि आपके बाकी बचे हुए सवालों का जवाब जल्दी से जल्दी दे पाएं।